हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्र टेक्निकल टेक में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं सीएम सर की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। सीएम सर आ चुके हैं और वो अंदर जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए। आप देख सकते हैं सर आ चुके हैं। मेरे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देखने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सर यहाँ पर आ गए हैं और वो अंदर जा रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स मैं इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम चालू है और यहाँ पे टावर एसी 10-12 टावर एसी लगा हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल्ड है। लेकिन एक एसी में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, एक एसी में प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं स्टेज के जो पीछे ये जो टावर एसी जो लगा हुआ है, ये एक एसी में प्रॉब्लम आ रही है, एक एसी नहीं चल रही है फ्रेंड्स। तो उसी आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं एसी से रिलेटेड। ये जो कंप्लेन है वो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो आउटडोर है ये नहीं चल रहा है। इसका MCB जैसे ही उठाते हैं, जैसे ही MCB ये जो ब्रेकर है इसे हम लोग उठाते हैं, हम लोग ऑन करते हैं, तो आउटडोर में जो लाइट होता है रेड लाइट और येलो लाइट आप देख सकते हैं ये ब्लिंक होता है, ये ब्लिंक कर रहा है। रेड और येलो लाइट जो है ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये आउटडोर क्यों नहीं चल रहा है और ये लाइट ब्लिंक क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं ये बगल में एक जैक लगा हुआ है, ये जैक सेंसर का जैक है। तो ये सेंसर का जो जैक है वो नहीं लगा हुआ था। आप देख सकते हैं हमने इसका जो सेंसर का जो जैक है वो हमने लगा दिया है। मशीन चल रहा है और अच्छा ठंडा भी हो रहा है और आप देख सकते रहेंगे अब ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि ये क्यों ब्लिंक कर रहा था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ब्लिंक इसलिए कर रहा था, हमने अभी MCB को ऑफ़ कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ जो सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो सेंसर है इसे हमने हम मैं अभी खोल ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हमने खोल लिया है। आप देख सकते हैं ये जो सेंसर है ये डिस्चार्ज वाली लाइन में लगा हुआ है, कंप्रेशर के डिस्चार्ज वाली लाइन में लगा हुआ है। इसका इसको हम लोग अभी खोल दिए हैं। आप देख सकते हैं खोलने के बाद हमने ब्रेकर उठाया, MCB उठाया, ऑन किया, तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही कारण था फ्रेंड्स कि इसका जो सेंसर का जो जैक है वो नहीं लगा हुआ था, जिस कारण आउटडोर नहीं चल रहा था। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट हो गया है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स हमने इसे लगा दिया और कंटिन्यू ऑर्डर चल रहा है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपका।